कुछ लोगों को गुस्से की जो आत्मा है, छोटी छोटी बात के लिए उन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा। आज खुदा कर रू मुझे कह रहा है कि ये सबसे बड़ा एक शैतान का हथियार है आपके जीवन को नाश करने का। अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, अपने इस काम पर अपने जल्द वर्क करना है, जल्द काम करना है। मैंने कहा इस पर अपने ध्यान करना है, क्योंकि ये शैतान का एक बड़ा हथियार है जो छोटी छोटी चीज पर आपको गुस्सा आता और आप मन खराब करते। अपने मन को फिराओ, नहीं तो आगे जाकर आपको ये बड़ी प्रॉब्लम खड़े करेगा। अपने मन को फिराओ। तो गुस्सा किसकी ओर से? अफिसियों 4:26 में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूरज अस्तने से पहले क्या हो जाए? हाँ, तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाए? सूरज अस्तने से पहले पहले क्या हो जाए? समाप्त हो जाए कि तुम शैतान को क्या ना दो, मौका ना दो। तुम महीनों से, तुम सालों को लेकर बैठे हो चीज को, तो शैतान तो सिर पर नहीं चढ़कर बैठेगा तो क्या करेगा? बीमारियां कैसे जाएंगी? जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना करा रहे हो, ले हैंड करा रहे हो, वो कैसे कैसे जाएगा? क्योंकि तुम तो नियम तो मान नहीं रहे, नियम तो पूरा कर नहीं रहे। हालेलुया। और जिस सिस्टर का नाम परमजीत है और जी लद्देवाल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 4 साल हो गया था, क्योंकि 4 साल से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और जिसके कारण जो इनके पति हैं जब बता रहे कि इनके बीच छोटी छोटी बात पर कलेश हो जाता था, क्योंकि जो सिस्टर बता रहे कि 4 साल से जब भी सुबह के टाइम जब बता रहे कि जो जल्दी नहीं उठ सकते थे, क्योंकि जब बता रहे कि 8 बजे से पहले जो कभी नहीं उठ सकते थे, और जब भी इनके हस्बैंड ने काम पर जाना होता था तो वो इनको बोलते थे सुबह जल्दी उठने के लिए, तो जब भी वो इन्हें उठाते तो इनको उस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। और जो सिस्टर बता रहे कि इस बात के कारण जो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि इनके बीच इनके हस्बैंड और इनके कारण कलेश हो जाता था, और जो बता रहे कि इस कारण इनके सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण जो सिस्टर बहुत ही परेशान थे। और सेकेंड जो सिस्टर का नाम निर्मल है और जी मोदल गांव के रहने वाले, और जी भी बता रहे कि इनको एक की गवाही पहले क्लियर करो, क्या नाम है इनका? परमजीत। कितने समय से आपको गुस्सा आता था? इनको माइक थोड़ा सा देना। 4 साल से। 8 बजे उठते थे आप? सर जी जो ना बोलना, कई बार तो मैं उठ खलोनी नहीं, कई बार नहीं उठ खड़ी होती, मेरे सिर च बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो। देखो, अगर किसी की आदत ऐसे, क्योंकि गुस्सा किसकी ओर से है? मैंने कहा गुस्सा किसकी ओर से है? हाँ, क्यों बाइबल में लिखा फिलिप्पियों 2:5 में कि तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा हो जाए? किसके जैसा हो जाए? हाँ, यीशु के जैसे हो जाए। जिसकी ओर से ये है, अगर ये शैतान का गुण अभी भी हमारे अंदर है तो वो काम नहीं करेगा। चाहे तुम चर्च आ रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, हाँ, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, वचन को सुन रहे हो, पर अगर ये चीज अभी भी आपके जीवन में काम कर रही है, गुस्सा मतलब आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज के लिए, अब मन खराब करते हो, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मेरे मुंह से भी हो सकता है, हाँ मेरे से भी किसी बात के लिए किसी ने कोई मन, कोई कुछ लोग कर लेते हैं खराब, फिर गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा किसकी ओर से? अफिसियों 4:26 में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूरज अस्तने से पहले क्या हो जाए? हाँ, तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाए? सूरज अस्तने से पहले पहले क्या हो जाए? समाप्त हो जाए कि तुम शैतान को क्या ना दो, मौका ना दो। तुम महीनों से, तुम सालों को लेकर बैठे हो चीज को, तो शैतान तो सिर पर नहीं चढ़कर बैठेगा तो क्या करेगा? बीमारियां कैसे जाएंगी? जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना करा रहे हो, ले हैंड करा रहे हो, वो कैसे कैसे जाएगा? क्योंकि तुम तो नियम तो मान नहीं रहे, नियम तो पूरा कर नहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर आज्ञाओं का परमेश्वर है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं
तो लिखा शैतान को वो डांटता है, हाँ वो छिड़कता है, चल ये मेरा जन है, यहां पे तेरा कोई काम नहीं है। ये एक बड़ा सत्य है, अगर ये बातें परमेश्वर स्वर्ग से ना प्रकट करे तो कैसे हो, कैसे हम डिलीवरेंस हो, कैसे कैसे उस चीज के लिए जिसके लिए जिस सिर की दर्द के लिए मैं ले हैंड करा रही हूं, करा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं और फिर प्रार्थना को रिसीव भी कर रही हूं, हाँ फिर भी नहीं मैं चंगी हो रही, मैं चंगा हो रहा, तो कारण वो एक शैतान का घुन है। इसी लिखा जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया उसके घुनों को क्या करो। आप परमेश्वर के गुण क्या है, लिखा शरीर के काम भी प्रकट हैं और आत्मा के भी प्रकट हैं। तुमने किसके गुण प्रकट करने है? होता है। इसीलिए लिखा तुम पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ और मसीह में जीवित समझो। अगर तुम मरे हुए तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम मन खराब करोगे किसी चीज से, करोगे बोलो। अगर आपको समझ आ गई तो आप अपनी फैमिली को भी समझाओगे, हाँ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप आगे वालों को कैसे आप समझाओगे। पर कुछ बातें परमेश्वर डायरेक्ट जब स्वर्ग से प्रकट करता है तो लोगों को खड़ा करता है और आजाद भी करता है, डिलीवरेंस भी करता है, हाँ ये छोटी सी गवाही नहीं है, मैं कह रहा हूं ये छोटी सी गवाही नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी गवाही है। और जिस दिन ये संडे की है कि वीरवार क्या ये बात है, पिछले संडे 15 जनवरी की, अभी आपको उनका क्लिप भी दिखाएंगे जिस दिन ये खुदा ने स्वर्ग से वर्ड दिया मुझे कि जितने गुस्से वाले हाथ खड़ा करो, कितने और भी थे, अभी तो हम दो लोगों की गवाही सुन रहे हैं, देखो और भी देखो कितने लोग हैं। पर मैंने स्पेशली उन्हें कहा था कि आप मंडे को आना, एक गुस्से वाले थे, एक और थे ले हैंड वाले शायद, क्योंकि सुनो अगर आप उन चीजों का मतलब और अच्छे से नहीं समझोगे तो तुम सफर करोगे, क्या फायदा। अगर परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से दे रहा है तो तुम टाइम निकाल लो, एक दिन और निकाल लो, कोई बात नहीं, सालों जो बाकी साल है उसमें तो शांति से जिएंगे। देखो कितना बड़ा काम किया है, हाँ कितना बड़ा काम किया खुदा ने। फिर आप 8 बजे उठते हैं, आप टाइम से उठते हो, ओ वाह, ये माइक की आवाज क्यों काम, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आप अभी 4 बजे उठते हो, 4 बजे पापा जी उठ के लगदा के होले 5 बजे, ओ जिस दिन से ये वर्ड आपने रिसीव किया है 8 बजे उठने वाली मेरी बहन 4 बजे 5 बजे उठती है, उसी बात से उसका पति उससे लड़ता था, और कैसे परमेश्वर जब देता है स्वर्ग से तो हमें डिलीवर करता है। तारीफ करो, तारीफ करो, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। बताओ नेक्स्ट, उनकी भी बताओ। और जिस सिस्टर का नाम निर्मल है और जो मोदल गांव के रहने वाले हैं, और जो बहन बता रही कि काफी लंबे टाइम से इनको गुस्से की प्रॉब्लम थी, जो कर बता रही कि इनके घर में भी जो छोटी छोटी बात पर जिनको गुस्सा आ जाता था, जो खींच जाते थे, और जब बता रहे हैं कि जैसे जैसे सिस्टर दोनों जो जब 15 जनवरी की मीटिंग में आए और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और जैसे प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स आया कि जितने लोग के जीवन में गुस्सा है वो आज अपने मन को फिराएं, पहला हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। कुछ लोगों को गुस्से की जो आत्मा है, छोटी छोटी बात के लिए उन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा। आज खुदा करूं मुझे कह रहा है कि ये सबसे बड़ा एक शैतान का हथियार है आपके जीवन को नाश करने का। अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, अपने इस काम पर अपने जल्द वर्क करना है, जल्द काम करना है, मैंने कहा इस पर अपने ध्यान करना है, क्योंकि ये शैतान का एक बड़ा हथियार है जो छोटी छोटी चीज पर आपको गुस्सा आता है, मन खराब करते, अपने मन को फिराओ,
नहीं तो आगे जाकर आपको ये बड़ी प्रॉब्लम खड़े करेगा। अपने मन को फिराओ। और ये दोनों सिस्टर्स बता रहे हैं कि आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इनके जीवन से इस गुस्से से इनको आजाद कर दिया है और आज इनके जीवन में परमेश्वर ने शांति दी है। और इस गवाही के लिए ये दोनों ही परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे के लिए से अपने हाथों को उठाते हुए। सुनो सुनो सुनो, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? बताओ मुझे, पक्षपात करता है कि दो के जीवन में करें और बाकी के जीवन में ना करें? हो सकता किसी ने उस पर चीज पर ध्यान नहीं दिया, मन नहीं फिराया, क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? बोलो कौन है शांति का राजकुमार? कौन है बोलो? कौन है बोलो? यीशु है, शांति उसके पास है। आमीन। पक्षपात करता है परमेश्वर? बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या सबको शांति नहीं देना चाहता? इसीलिए जब लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, करवाते भी हैं, ले हैंड भी कराते हैं अपनी बीमारी के लिए, पर वो बीमारी जाती नहीं है, क्योंकि तुम शैतान का वो घुन अंदर लेकर बैठे हो। हाँ, तो कैसे तुम चंगे हो गए? कैसे तुम आजाद होंगे? तुम्हें कैसे उसकी ब्लेसिंग मिलेगी? अब कितनों को समझ आ रही है? आप चाहते नहीं होंगे मुझे भी परमेश्वर खड़ा करे, मुझे भी, मेरे घराने को भी। हाँ, आपको कितने साल से आता था? लंबे समय से ही। ओ देखो, आपको पता है जब ये आए थे तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा बहुत, जब भी ये आते थे तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, दुष्ट आत्मा आ जाती, बार बार आती थी, बार बार आती थी। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि जिसके आगे मैं हमेशा ही घुटने टेक के उसके सामने जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तू ही है, मैं तो नहीं जानता तेरे लोगों के मन में क्या है। हाँ, पर तू जानता है, समझ आ रही है? तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू ही है जो अंधकार की बातों को रोशनी में प्रकट करता है, और मैं ये धन्यवाद करता हूं कि आज भी कर चुका है। इसीलिए परमेश्वर ये बातें स्वर्ग से प्रकट करता है, और ये नॉर्मल बातें नहीं, बोलो क्या है, ये नॉर्मल बातें नहीं है जो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। ये नॉर्मली नॉर्मल अब मिनिस्ट्री नहीं है। जिस तरीके से खुदावंद हमारे साथ काम कर रहा है, हर हफ्ते इतनी गवाहियां सुन रही ना, जबरदस्त परमेश्वर के कामों को सुन रही। क्या तुम चंगे नहीं होंगे? तुम आजाद नहीं होंगे? तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? बताओ मुझे, नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। जितने लोगों ने, औरों को भी, जिन लोगों को भी गुस्सा आता था, जो ऑनलाइन भी, ये एक भेद की बातें हैं जो परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करता है। समझ आ रही है? जितने लोगों को भी गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज के लिए, मुझे पता है गिनती ज्यादा है, वो अलग चीज है कि कुछ लोग शर्म खाते हैं। आता किसको नहीं? मैंने इन चीजों में एक बड़ा वर्क किया है, इन्हीं चीजों में। समझ आ रही? अपने हाथों को उठाओ, जो ऑनलाइन, जो जहां पे, जिन लोगों को भी गुस्सा आता है, अपने हाथों को उठाओ और मन फिराओ। सिर्फ अपने मन फिराना है। यस खुदावन, जैसे परमेश्वर तूने इन अपनी दो बच्चियों पर अपना अनुग्रह प्रकट किया, इनके सालों की, उसकी 4 साल की और इसके बड़े लंबे सालों की, ये प्रॉब्लम से परमेश्वर तूने मुक्त किया, चंगा किया। खुदावन, उसकी उस गंदी आदत को, सोने की आदत को बदला। जितने लोगों के जीवन में शैतान, तू इनके जीवन में अलग अलग गंदी आदतों से, छोटी छोटी चीजों में तू इन्हें गुस्सा देता है, इनके स्वभाव में खुदावन की उस महिमा को तू रोकता है। मन फिराओ,
मैं कमांड करता हूँ, जितने ऑनलाइन जो जहां पे, मैं कमांड करता हूँ सब आजाद हो जाएं, सबके स्वभाव बदल जाएं। मैं कहता हूँ यीशु नासरी के नाम से सब आजाद हो जाएं, सब आजाद हो जाएं और आपके स्वभाव आपके मन बदल जाएं। ओ गुस्से की आत्मा आपको छोड़कर जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा गुस्से की आत्मा आपको छोड़कर जाती रहे राइट नाउ, और ताकि आपके बंद रास्ते खुले यीशु नासरी के नाम से। यस खुदाबंद, मैं शास करता हूं, मैं शास करता हूं खुदाबंद, तूने अपनी शांति से भर चुका है, अपनी शांति से भर चुका है, और परमेश्वर इन्हें बड़ी गवाहियों के साथ, बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। सब लो आमेन, आमेन। तारीफ कर दो, जोर से तारीफ कर दो इस बड़ी गवाहियों के लिए।